पंजाब दे विच कल्ला किसान ही नहीं रहिंदा, इत्थे दलित भी रहिंदे ने, इत्थे समाज दे होर वर्ग भी रहिंदे ने। सो कल्ले किसान नूं जिथे असीं अन्नदाते दा खिताब दिंदे आ, जिथे असीं अन्नदाते दा लकब दे के उहनूं इक माण दिंदे आ, उत्थे असीं इस गल दा उहनूं कोई अधिकार नहीं हैगा कि उह बाकी जिहड़े समाज दे होर जिन्ने पार्ट ने कि उहनां नूं उहनां दीआं गल्लां नूं उह अणसुणिआ करके उह इस दे उत्ते इक क्राइम वाला जिहड़ा काम है उह करदा रहे। देखा जाए जी किसान जथेबंदियों के रोल में इस विच किवें देखदे हो? किसान जथेबंदियां हमेशा किसानों के हक की गल करदियां ने, है ना, तो ये भी वो कहिंदियां कि साडी मजबूरी आ कणक नूं अग लाउणा, तां तुसीं उहनां दे रोल नूं इहदे विच किवें? जे कोई किसान अग लाउंदा है सरकार उहदे उत्ते कोई कार्रवाई करदी है तां किसान संगठनां नूं झंडे लै के उहनां दे हक च नहीं नित्तरना चाहीदा। किसान कह रहा है कि पहलां असीं अग लावांगे, तो अग लाउणा जरूरी है, जमीन गर्म हो गई हुण असीं इहदे च पाणी लावांगे, ये दोनों गल्लां गलत ने। पहलां कहिंदे ने कि जमीन नूं असीं गर्म करना है कि पाणी ला के उहनूं ठंडी करना है, इहदी कोई तुक नहीं बणदी है। अग लगनी है जिहड़ी उह 8वें दहाके दे विच 80-82 तों बाद शुरू हुंदी है। पंजाब दे लोक पहलां भी कणक दी खेती करदे सी जां चौल घट वध करदे सी, होर फसलां भी उगाउंदे सी, लेकिन पंजाब के किसान पहले अग नहीं सी लाउंदे। ये अग लाई क्यों जाती है जी? ये कि सचमुच जी रहिंद खूंद खत्म किया जा सकता है, जो जी रहिंद खूंद कि सचमुच ही वह बाद दे विच नवी फसल लई अड़िका बन गई? अग लगन दे नाल मैं समझदा कि कल्ला यह नहीं है कि कल्ला नार सड़दा है, अग लगन दे नाल पूरा ईको सिस्टम है जिहड़ा, पूरी कुदरत दी जिहड़ा चक्कर है वो तबाह हो जाता कि जी कणक अग लाउण दी, कणक दे नार नूं अग लाउण दा उहदा कोई मतलब नहीं हैगा, उहदे उत्ते सख्ती नाल जिहड़ी आ पाबंदी लगनी चाहिए, गवर्नमेंट नूं उहदे उत्ते पाबंदी लाउणी चाहिए। दुनिया ते तुहाडा स्वागत, मैं मनदीप। अज पंजाब दे विच इक कहिए ट्रेंड जिहा चलिया होया है कि खेतां दे विच तूड़ी संभालण तो बाद कणक संभालण तो बाद जिहड़े नाड़ बचदे ने, जिवें हुण कणक दी रोता कणक दे नाड़ बचे तां उहनां नूं अग ला दित्ती जांदी आ, तां कुछ लोग इत्ते रौला पाउंदे ने कि नहीं लाउणी चाहीदी, किसान कह रहे ने कि साडा अग लाए बिना सरदा नहीं। तां आपां गल्लबात करांगे साडे नाल सुखविंदर पप्पी ने, पहलां वी आपां गल्लबात करदे रहिंदे आ। पप्पी जी स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अग की गल करिए जी, जिमें किसान पंजाब दे, है ना, वैसे तो कहिंदे भी पूरे पेट भरते ने लोगों का, है ना, पर पंजाब का किसान आ जिहड़ा उत्ते एक कह लिए भी तोहमत भी ला रहे ने कुछ लोग, जां अलग अलग थावां तो गल्लां ने कि अग्गां लाउंदे ने बहुत ज़्यादा। एक तो यह कि अग लाउणी कदों तो शुरू की है, जिवें पुराने समयां तो शुरू है जां हुण तो ट्रेंड चलिया है? कोई जिहड़ी पंजाब दे विच अग लगण की गल हैगी है, ये कोई किसान पंजाब का पहला अग नहीं सी लाउंदा, बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ है जिहड़ी समझण वाली है। 1980-82 दियां जिहड़ियां साडियां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दियां लिखतां ने, उन्हां लिखतां दे विच सारां तों पहलां ये गल आई कि रहिंद खूहंद नूं साड़ना चाहीदा, ये गल लिखती रूप दे विच पई है। यूनिवर्सिटी का जिहड़ा मैगजीन आ चंगी खेती, तो जिहड़ियां यूनिवर्सिटी दियां होर लिखतां सी जिहड़ियां उस दौर दे विच आईआं, तो सारां तों पहलां उन्हां दे विच ये अग दी चीज़ है वह लैके उन्होंने लैके आती है। बाद दे विच किसान ने जिहड़े उन्होंने अग लाउणी आ जिहड़ी शुरू की है। सो अग लगनी आ जिहड़ी उह 8वें दहाके दे विच 80-82 तों बाद शुरू हुंदी है। पंजाब दे लोक पहलां भी कणक की खेती करते जां चौल घट वध करते होर फसलां भी उगाउंदे सी, लेकिन पंजाब दे किसान पहलां अग नहीं सी लाउंदे। इहदे लई मैं समझदा कि यूनिवर्सिटियां दा जां गवर्नमेंट दे जिहड़े इंस्टीट्यूशन ने उहनां दा इक खास रोल है कि उन्होंने अग लाउण वाले पासे नूं किसानां नूं पहलां उत्साहित किया। ये अग लाई क्यों जाती है जी? ये कि सचमुच जी रहिंद खूंद खत्म किया जा सकता है, जो जी रहिंद खूंद कि सचमुच ही वह बाद दे विच नवी फसल लई अड़िका बनती है? देखो जिथों तक तो झोने की नाड़ की गल है, उहनू अग लाई जाती है, वह साडी गल समझ च आउंदी है, क्योंकि किसान को टाइम बहुत घट हुंदा, उहदे कोले उस पराली नूं सांभण का कोई भी होर साधन नहीं हुंदा, तो वह अग पंजाब का किसान ला लैंदा है। उस गल का असी नहीं कह सकते कि उहदा हाले गवर्नमेंटां ने जां साडे किसी भी सरकारी अदारियां ने उहदा कोई इलाज सानू दिता नहीं,
सो साडे कोल इक्को ही इलाज किसानां कोल बचदा कि उहनूं अग ला लैंदे आ। लेकिन जिहड़ा कणक दा नाड़ है साडे कोल बहुत लम्मा टाइम पिया हुंदा है। 30 अप्रैल तक सारे पंजाब दे विचों कणक दी कटाई है जिहड़ी उह समाप्त हो जांदी है। 15 जून तो पहलां तुसीं झोना पंजाब दे विच ला नहीं सकदे, इक लम्मा समां तुहाडे कोल हैगा। दूसरी गल, कणक दा नाड़ ऐसा है ही नहीं कि जिहनूं मैनेज ना कीता जा सके। उहदे लई मैं समझदा कि किसान भी जिम्मेवार ने। किसानां दा इक खास भाईचारा जिहड़ा कोई 50-60% बनता पंजाब दे विच, उह बिना वजह बिना सोचे समझे इस नूं अग ला के फूक दिंदा, जिहड़ा कि एक बहुत ही बेशकीमती साडे कोल एक धरोहर है कुदरत दी दित्ती हुई, जिहड़ी कि साडी सॉयल हैल्थ नूं बनाउंदी है। अग लगन दे नाल मैं समझदा कि कल्ला इह नहीं है कि कल्ला नाड़ सड़दा, अग लगन दे नाल पूरा इकोसिस्टम है जिहड़ा, पूरी कुदरत दी जिहड़ा चक्कर है वह तबाह हो जाता है, वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। उहदे नाल जिहड़े सूक्ष्म जीव ने वह मचदे ने, उहदे नाल जिहड़े बेशकीमती दरख्त ने वह सड़ जाते ने, दरख्तों के उत्ते जिहड़े लगे हुए पशु पंछियों के आलणे ने वह सड़ जाते ने, पंछी सड़ जाते ने, बहुत थावां के उत्ते तां जिहड़े पशु भी सड़े ने अगां दे विच। पिछले दिनों के एक मोगे कोले हादसा होया, उहदे विच बंदियां दा जिहड़ा बहुत वड्डा नुकसान हो गया, दो बंदे एक्सीडेंट दे नाल मारे गए धूएं दे नाल। सो मैं समझदा कि जिहड़ी कणक नूं अग लाउण दी, कणक दे नाड़ नूं अग लाउण दा उहदा कोई मतलब नहीं हैगा। उहदे उत्ते सख्ती नाल जिहड़ी आ पाबंदी लगनी चाहीदी आ, गवर्नमेंट नूं उहदे उत्ते पाबंदी लाउणी चाहीदी है। और मैं समझदा कि इस नूं इक क्राइम मन के उहनां किसानां दे खिलाफ़ FIR होनी चाहीदी है जिहड़े कणक दे नाड़ नूं अग लाउंदे आ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਛ ਸੁਚੇਤ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
15 जून नूं मोटरां छड्डणियां ने, सरकार ने झोना लाउणा है, पाणी छड्डो तुसीं उदों, पर आ 2 महीने खेतां दे विच पाणी लाउण दा कोई तुक नहीं बणदी है। शुक्रिया जी। सो आपां गल कीती आ कि अग्गां लाउणियां किन्नियां क जायज़ ने, बेशक इहदे पिछे जिहड़ा देखिया जावे तां वड्डा रोल सरकारां दा, किसानां ने पहलां दी गल करिए तां कदे अग्ग नहीं सी लाई, तां यूनिवर्सिटियां दा वी इहदे विच रोल आ। अज कल इक ट्रेंड चल पिया कि थोड़ा बहुत कूड़ा करकट देखदे आपां नूं अग्ग ला दिंदे आ, थोड़े बहुते घा देखदे उत्ते स्प्रे मार दिंदे आ, तां इह साडे लई सोचण दे सवाल आ। पाणी दा वड्डा मसला है, पाणी नूं वी किस तरीके नाल वरत्या जावे, खेती किस तरीके नाल कीती जावे, ये थोड़ा बहुत शायद तुहानूं कुछ सीखण नूं मिलिया होवे। सो जुड़े रहो दुनिया दे नाल।